मेड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट साउंड, जो विभिन्न वस्तुओं द्वारा जो की गई ध्वनियों में अलग अलग ध्वनि होती है, अलग अलग टाइप की आवाज आती है ना, साउंड अलग अलग, जो अलग अलग टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग टाइप की ध्वनि आती है, अलग अलग टाइप की साउंड में आती है। कैन यू नेम दी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स, क्या आप इन वस्तुओं के निमित्त जो साउंड है उनके नाम दे सकते हैं? ये जो आपकी बुक में लिखी हुई रहती है, ये पर्पल कलर की जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको मैं फिर एक्सप्लेन करूँ एक बार। साउंड मेड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट साउंड, कि जो विभिन्न ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनके द्वारा की गई जो साउंड्स है उनकी क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, ध्वनि होती है, उनकी साउंड होती है। कैन यू नेम द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स, क्या आप इन वस्तुओं के, इन ऑब्जेक्ट्स के नाम, ध्वनियों के बारे में आप बता सकते हैं, दे सकते हैं? वो फर्स्ट है ड्रम। ड्रम सबने देखा होगा, जब ये इंस्ट्रूमेंट में आता है ड्रम, DRUMS, ड्रम इंस्ट्रूमेंट है एक। जब इसको जो इसकी साउंड कैसी होती है, बीट, इसकी साउंड बीट, BEAT, बीट, इसकी साउंड होती है बीट। ड्रम क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया ड्रम, और साउंड क्या होगी इसकी, बीट, BEAT, बीट। आप इसे बुक में भी राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप इसे बुक में, जो ब्लैंक जगह होती है उसके सामने आपको लिखना है, ड्रम लिखा है उसके सामने ब्लैंक जगह है, सर्कल सा बना हुआ है, अगर जिसके पास बुक है वो, अदरवाइज जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में करना है आपको बाद में, सिर्फ आप अभी सुन सकते हैं। ड्रम, ड्रम्स की हो गई साउंड बीट, BEAT, बीट। उसके बाद चेन, चेन होती है CHAINS, चेन। चेन्स की जो साउंड होती है क्लैंग, CLANG, के क्लैंग, CHAINS, चेन्स होती है। आपने देखा होगा आयरन की जो लोहे वाली चेन होती है उसकी कैसी साउंड होती है, क्लैंग, CLANG, के। समझ में आ रहा है बेटा सबको? गुड आफ्टरनून जोएश, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, यस। अब नेक्स्ट है हमारी, इसमें आपके बुक में पिक्चर्स भी दी हुई हैं, आप उनको, पिक्चर्स को भी देख के, आप अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको पिक्चर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, क्लॉक होती है घड़ी। अब क्लॉक की तो साउंड सबको ज्यादातर पता होता है, सब चिल्ड्रन को पता होगा कि क्लॉक के क्या साउंड होती है, टिक टिक करती है वो, तो टिक्स, TICK है, टिक टिक करती है क्लॉक, तो इसकी साउंड क्या होती है, टिक, TICK है, टिक। नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ है एरोप्लेन, AEROPLANES, एरोप्लेन। एरोप्लेन्स की क्या साउंड होती है, कौन सी ध्वनि निकलती है जब वो फ्लाई करता है, जूम, ZOOM, जूम। लिसन केयरफुली आर्यन जोएश, एरोप्लेन्स, AEROPLANES, एरोप्लेन्स होता है हवाई जहाज। जब उसकी साउंड कैसी होती है, जब ध्वनि, जब वो फ्लाई करता है, जूम, ZOOM, जूम, जूम, ऐसी आवाज आती है जब वो फ्लाई करता है, तो एरोप्लेन्स की साउंड होगी जूम, ZOOM। उसके बाद है फाइव नंबर, फाइव नंबर है बेल्स, बेल्स होती है घंटी, आपने देखा होगा मंदिर में भी लगी हुई होती है और हमारे भी मंदिर में होती है बेल्स, BELLS, बेल्स। उसकी कैसी साउंड होती है, रिंग, RING, रिंग।
बेल्स की साउंड होती है RING, स्ट्रिंग। अब उसके बाद देखो हमारा सिक्स नंबर, सिक्स नंबर है फ्लैग। फ्लैग होता है, सबने देखा होगा फ्लैग, इंडिया का फ्लैग भी देखा होगा सबने, झंडा। इंडिया के फ्लैग्स में कितने कलर्स होते हैं? थ्री कलर्स होते हैं और बीच में वो होता है चक्र होता है ना। तो ये फ्लैग्स है, फ्लैग्स की जो कैसी वो होती है, साउंड होती है, फ्लूटर, FLUTTER, फ्लूटर, FLUTTER, फ्लूटर, ये होती है फ्लैग की साउंड। उसके बाद आपने देखा होगा सेवन नंबर है लीव, LEAVES, लीव्स। लीव्स होती है पत्तियां, पत्तियों की आवाज होती है रसल, RUSTLE, इसकी आवाज होती है पत्तियों की, जब हवा वगैरह चलती है तो उसमें से हल्की हल्की सी आवाज आती है, साउंड आती है, वो रसल, RUSSLE। नेक्स्ट है क्लाउड्स, क्लाउड्स होते हैं बादल, CLOUDS, क्लाउड्स। आप इसे बुक में भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग भी मैं आपको रीड कर रही हूँ तो आपको स्पेलिंग भी लिखनी है, बुक में लिख सकते हैं अगर आपके पास बुक है अभी तो। क्लाउड्स है CLOUDS, क्लाउड्स। क्लाउड्स की क्या होती है? थंडर, THUNDER, थंडर। क्लाउड्स की क्या होती है? जब वो गरजते हैं बादल, जब आप सुनी होगी तो उसकी साउंड होती है थंडर, THUNDER, थंडर। अब उसके बाद देखो नाइन नंबर है शूज, SHOES, शूज होते हैं जूते। अब इसकी आवाज होती है जब हम पहनते हैं या रखते हैं, निकालते हैं उनको शूज को, है ना, तब इसकी आवाज होती है क्रिक, CREAK, क्रिक। तो शूज की क्या होगी? क्रिक, SHOES, शूज। शूज की साउंड होगी क्रिक। अब नेक्स्ट है देखो ब्रेक्स, ब्रेक्स होते हैं साइकिल के ब्रेक्स ले लो आप, स्कूटर के ले लो, मतलब किसी भी व्हीकल के आप ब्रेक्स ले सकते हैं, टू व्हीलर्स ब्रेक। साइकिल के लो BREKES। तो उसमें जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कैसी आवाज आती है? स्क्रीच, SCREECH, स्क्रीच। तो ये ब्रेक्स की में कैसी आवाज आती है, कैसे साउंड होती है? स्क्रीच, SCREECH, स्क्रीच। अब नेक्स्ट नंबर है 11, पेपर। पेपर होता है आपकी कॉपी का पेपर ले लो या न्यूज़पेपर ले लो, कुछ भी ले लो आप एग्जाम्पल। तो पेपर में से आती है क्रिंकल, CRINKLES। पेपर है, ऑब्जेक्ट है पेपर, और पेपर की साउंड हो गई क्रिंकल, CRINKLES। उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है 12 नंबर फायर, FIRE, फायर। फायर होती है आग, है ना। आग में से कैसी आवाज आती है? आग में से आवाज आती है क्रैकल, CRACKLES, CRACKLES, क्रैकल। ठीक है, ये हम मैंने आपको बताएं, एक बार मैं फिर बता देती हूँ उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है और साउंड कौन सा है, ताकि, और फिर मैं बोर्ड पे भी करवा दूंगी आपको, ताकि जब आप कॉपी में अपना वर्क करोगे तो आपको ये पता रहेगा ये ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं हम और ये इसकी साउंड है। तो देखो ड्रम है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट होती है वस्तु, कोई भी चीज। तो ड्रम है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसकी साउंड हो गई बीट। नेक्स्ट है चेन्स, चेन्स हो गया ऑब्जेक्ट और इसकी साउंड होगी क्लैंग। नेक्स्ट है क्लॉक, क्लॉक की साउंड हो गई, क्लॉक हो गया ऑब्जेक्ट और इसकी साउंड हो गई टिक। नेक्स्ट है फोर्थ, एरोप्लेन, ऑब्जेक्ट में हो गया ये और इसकी साउंड हो जाएगी फ्लाई।
रूम। इसके बाद है बेल्स। ये आपको कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करेगा। आप मैसेज कर रहे हैं या आप मैम क्या करवा रही है वो देख रहे हैं? मैसेज नहीं करना आपको। और भी मैसेज नहीं करने आपको। आर्यन यादव, लिसन केयरफुली। आप सुन रहे हैं या आप टाइपिंग में लगे हुए हैं? आप एरोप्लेन्स की जो है साउंड है जूम। एरोप्लेन्स हो गया ऑब्जेक्ट और साउंड हो गई इसकी जूम। नेक्स्ट है बेल्स। बेल्स की साउंड, बेल्स हो गया ऑब्जेक्ट और इसकी साउंड हो गई रिंग। इसके बाद है फ्लैग्स। फ्लैक्स हो गया ऑब्जेक्ट, एक चीज हो गई, और ये फ्लोटर, इसकी हो गई साउंड। लीव्स, लीव्स इसकी साउंड हो गई रसल। उसके बाद है 8 नंबर क्लाउड्स। क्लाउड्स की साउंड हो जाएगी थंडर। शूज, शूज की साउंड क्रिक। ब्रेक, ब्रेक की साउंड हो जाएगी क्रिच। और पेपर की क्रंकल एंड फायर की क्रैकल। ओके, अब आपको इसको कॉपी में कैसे डन करना है मैं बताती हूँ। आपको कैसे करोगे इसे कॉपी में, इसे कॉपी में कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ। आपको सबसे पहले तो आज की डेट मेंशन करनी है, 11/9। उसके बाद में चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा, 22। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है चैप्टर का नेम, साउंड मेड बाय सम ऑब्जेक्ट, है ना। अब कौन से ऑब्जेक्ट हैं, उनकी साउंड कौन सी होती है, तो ये हम चैप्टर का नेम लिखेंगे। अब स्पेस कम है तो मैं रब कर देती हूँ चैप्टर का नेम यहाँ पे, और यहाँ क्वेश्चन लिखूंगी मैं। आपको कॉपी में कौन सा क्वेश्चन लिखना है वो लिखना है। पहले सबसे पहले कॉपी में क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है वर्क। जो बच्चे टाइपिंग में लगे हुए हैं, बोर्ड पे नहीं देख रहे हैं, आर्यन और भी ये सब, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। आइडेंटिफाई क्वेश्चन 1, हम लिखेंगे आइडेंटिफाई द साउंड आइडेंटिफाई द साउंड मेड बाय फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। मेड बाय फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि हमें वर्क करते समय, हमें इस चैप्टर को करते समय कौन सा क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द साउंड मेड बाय फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको साउंड्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इस ऑब्जेक्ट की कौन सी साउंड होती है। तो जैसे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा क्या था, ड्रम। डी RUMS ड्रम्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके ऊपर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट, और इधर लिख देती हूँ साउंड। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यह ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, साउंड है। तो इसकी साउंड क्या होगी, बीट। BEAT बीट। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर, लिसन केयरफुली। सेकेंड नंबर चेंज, चेंज
CHAINS, चेंज। अब चेंज की साउंड होगी क्लैंग, CLANG, क्लैंग। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। अब क्लॉक की साउंड क्या हो जाएगी, सिक्स, TICKS, TICKS, सिक्स। क्लॉक है, क्लॉक की साउंड हो जाएगी सिक्स। अब उसके बाद में है नेक्स्ट फोर नंबर, एरोप्लेन, AEROPLANES, एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स की जो साउंड होती है होती जूम, ZOOM, जूम। दिखाई दे रहा है, बोर्ड इज क्लियर, यस नो, जोएश, खुशी, मानसी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फाइव नंबर, बेल्स। फाइव नंबर है बेल, BELLS, बेल्स। अब बेल्स की कौन सी साउंड हो जाएगी, रिंग, RING, रिंग। इसी टाइप से आपको ये कॉपी में भी ऐसे ही करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से रब कर दूं, फिर आपको लिखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये ऑब्जेक्ट का ओ, ठीक है। अब देखो सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में लिखूंगी फ्लैग्स, FLAGS, फ्लैग्स। अब फ्लैग्स की क्या साउंड होती है, फ्लोटर, FLUTTER, FLUTTER, फ्लोटर। ये हो गई इसकी फ्लैग्स की साउंड। फ्लैग क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसकी साउंड हो गई। नेक्स्ट है सेवन नंबर, सेवन नंबर है लीव्स, ठीक, पत्तियां, LEAVES, LEAVES, लीव्स होती है। इसकी साउंड होती है रसल, RUSTLE, रसल, RUSTLE। ये हो गई लीव्स की साउंड। अब उसके बाद हम, मैं इनको रब कर देती हूँ। सेवन के बाद है एट नंबर, एट नंबर है क्लाउड, CLOUDS, क्लाउड्स। क्लाउड्स होते हैं बादल। अब उनकी जो साउंड होती है वो होगी थंडर, THUNDER। आप इसे बुक में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास बुक है। स्पेलिंग क्लियर है यहाँ पर, मुझे यहाँ से क्लियर दिख रहा है, आपके पास भी बोर्ड से क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद क्लाउड्स का कर लिया हमने, थंडर। नेक्स्ट है नाइन नंबर शूज, ये नाइन नंबर का शूज, SHOES, शूज, है ना। शूज का हो जाएगा क्रिक, CREAK, CREAK, शूज का हो जाएगा क्रिक। अब है नेक्स्ट टेन नंबर, टेन नंबर है हमारा ब्रेक्स, BRAKES, BRAKES, ब्रेक्स। और ब्रेक्स की क्या साउंड हो जाएगी, क्रीच, SCREECH, क्रीच। ब्रेक्स की साउंड हो जाएगी स्क्रीच। अब मैं आपको
अब टू और बचे हैं, या नीचे लिख देती हूँ, दिख जाएगा आपको। पेपर, 11 नंबर है पेपर, PAPER पेपर, और पेपर की साउंड क्या हो जाएगी, ट्विंकल, TRINKLES, TRINKLES, पेपर है, ऑब्जेक्ट हो गया और पेपर की साउंड हो जाएगी ट्विंकल। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है फायर, 12 नंबर, 12 नंबर है फायर, FIRE, फायर होती है, फायर होती है आग, है ना, और इसका हो जाएगा क्रैकल, इसका जो साउंड है वो जाएगा क्रैकल, CRACKLES, CRACKLES, क्रैकल, फायर का हो जाएगा क्रैकल, CRACKLES। ये मैंने आपको सारे साउंड और जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्लियर किए हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, जो भी बच्चे बैठे हैं लिसन केयरफुली। बेटा जोएश, खुशी, मानसी और भी, आप लोगों का वर्क क्लियर है अभी तक का सारा, जितना भी चैप्टर करवाए हैं, जितने भी आपको आपके वर्क क्लियर हैं, वर्क डन है क्या? यस नो? देखो आपको सबसे पहले तो चैप्टर का नंबर, डेट, चैप्टर नंबर, एंड वो मैंने आपको यहाँ से रब कर दिया है, चैप्टर जो नेम है साउंड्स मेड बाय सम ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन लिखना है, आइडेंटिफाई द साउंड मेड बाय फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट्स है उनके आपको साउंड्स लिखना है। एक साइड आपको ऑब्जेक्ट्स लिखना है और एक साइड आपको साउंड्स लिखना है, आपको लर्न करने में क्या होगा, इजी रहेगा। फिर आपको ये टोटल आपके साउंड से, जैसे ड्रम है, ड्रम का साउंड हो जाएगा बीट, तो ड्रम लिखना है आपको इधर की साइड में, और फिर आपको इधर इसका साउंड लिखना है बीट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर चेन, चेन लिखना है इस साइड ऑब्जेक्ट में, और इधर आपको इसका साउंड लिखना है क्लैंग। नेक्स्ट जैसे थर्ड नंबर है क्लॉक, क्लॉक लिखना है थर्ड नंबर डाल के, फिर उसका आपको साउंड लिखना है टिक। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर एरोप्लेन, एरोप्लेन का आपको इधर लिखना है, ऑब्जेक्ट है और इसका साउंड आपको लिखना है जूम, ZOOM। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है फाइव बेल्स, है ना, बेल्स का आपको इस साइड में लिखना है रिंग, RING, रिंग, इसकी साउंड लिखनी है, ऑब्जेक्ट और फिर साउंड। फिर फ्लैक्स है, तो आपको फ्लैक्स लिखना है ऑब्जेक्ट की जगह, और साउंड लिखना है आपको फ्लोटर, FLUTTER, फ्लोटर। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट है सेवन लीव्स, आपको लीव्स लिखना है ऑब्जेक्ट में, और जो आपको साउंड है वो लिखना है रसल, RUSTLE, रसल। फिर उसके बाद क्लाउड्स, है ना, ये क्लाउड्स आपको लिखना है ऑब्जेक्ट में, और फिर आपकी इसकी जो क्या बोलते हैं साउंड्स है वो आपको इधर लिखना है थंडर। और फिर उसके बाद में है शूज, शूज आपको लिखना है ऑब्जेक्ट में, और इसकी जो साउंड्स है क्रिक वो आपको लिखना है इधर। नेक्स्ट है 10 ब्रेक्स, ब्रेक्स आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है और साउंड आपको लिखना है, साउंड में यहाँ लिखना है आपको स्क्रीच। नेक्स्ट है पेपर, आपको लिखना है ऑब्जेक्ट में, और फिर आपको जो साउंड है इसकी वो यहाँ लिखनी है क्रिंकल। नेक्स्ट हो जाएगा फायर, 12 नंबर, फायर आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है और आपको इस साइड में लिखना है साउंड्स में आपको लिखना है क्रैकल्स। आपको वर्क डेली पूरा करना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना आपको कोई भी वर्क, क्लियर होना चाहिए आपका वर्क, ये नहीं आज का वर्क 2 दिन बाद कर लेंगे फिर वो पेंडिंग रह जाएगा, मैम नेक्स्ट चैप्टर करा देगी,
आपका वो जो पिछला वर्क है वो पेंडिंग, इसलिए आपको डेली वर्क करना है और अपनी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। डू वर्क रेगुलरली। ओके okay. समझ में आ रहा बेटा। ओके थैंक यू।